की सावंत की एक बार फिर से एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ चुकी है। यहाँ पर जिम के बाहर स्पॉट किया गया राखी सावंत को, जहाँ पर लोगों ने उनसे सवाल किए। ऐसे में राखी सावंत ने राजश्री को लेकर काफी कुछ कहा। आखिर क्या कुछ कहा राखी सावंत ने, तो देखिए ये रिपोर्ट। ड्रामा क्वीन राखी सावंत का एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में जब राखी सावंत से राजश्री मोरे को लेकर सवाल किया गया, तो राखी सावंत ने कहा कि राजश्री मोरे जिसके पास कोई काम नहीं है, और साथ ही उसने ये भी कहा कि राजश्री मोरे दूसरों के केस में बीच में आ जाती है और अपना फायदा ढूंढती है, जिसके पास ना तो पैसा है, वो सिर्फ मेरे जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी और अब वो हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन वो हीरोइन नहीं बन सकती क्योंकि वो इस लाइफ नहीं है। साथ ही राखी सावंत ने राजश्री मोरे के बंद कमरे का राज भी खोला। उन्होंने मीडिया वालों के सामने सरेआम कह दिया कि राजश्री मोरे बंद कमरे में लड़कियों के साथ कैसा रिश्ता रखती है, और साथ ही ये भी कहा कि राजश्री मोरे को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। जी हाँ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राखी ने ये बात राजश्री मोरे को लेकर कह दी। अब सवाल ये है कि राखी ने इतना बड़ा आरोप और करेक्टर को लेकर सवाल तो उठा दिया राजश्री मोरे को लेकर, लेकिन इस पर क्या जवाब देती हुई नजर आएगी राजश्री मोरे, ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।